हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस ब्लॉग में सबसे पहले मैंने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के साथ ही रखी थी, बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया वीडियो में बहुत डिस्टर्बिंग नॉइज़ है। हमारी सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चालू है और सोसाइटी के चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन का साउंड है, इसलिए मैंने जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी उसे हटा दी और मैंने इस वीडियो को वॉइस ओवर की है। मैं सुबह सुबह कॉफ़ी या चाय लेने प्रेफर नहीं करती हूँ, बट कभी कभी अगर मौसम बहुत ठंडी रहता है तो एक कॉफ़ी ज़रूर पी लेती हूँ। आज का ये कॉफ़ी है मेरा कैरमल फ्लेवर वाला। मुझे डिफरेंट टाइप की कॉफ़ी एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कंट्री बीन कॉफ़ी का कैरमल फ्लेवर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा। शक्ति के पीछे मेरा पूरा दिन जाता है, इसीलिए शक्ति जब सोती है उसी टाइम में मुझे अपना कुछ काम करने का टाइम मिलता है। तो सुबह मैं जल्दी उठती हूँ और उसके उठने के पहले जितना भी मेरा काम हो सकता है वो मैं सारा ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। सुबह के टाइम में मैं अपना ब्लॉग लिखने में टाइम स्पेंड करती हूँ और जब रात का टाइम होता है, जब वो सो जाती है, मैं अपना ब्लॉगिंग में टाइम स्पेंड करती हूँ। ये मेरा पर्सनल वेबसाइट है, यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ चीज़ें लिखती हूँ, मेरा लाइफस्टाइल, बेबी केयर, न्यूट्रिशन, ट्रैवल और कई सारी चीज़ें रिलेटेड टॉपिक्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ। आप एक बार ज़रूर चेक करके देखिएगा। फिर होता है प्लांट्स की बारी। प्लांट्स के साथ मुझे वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने दिन में आधा घंटा से एक घंटा टाइम अलग से निकालती हूँ, मेरे सारे पौधों को एक 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 उनके सारे पत्तों को चेक करती हूँ और उनकी जो भी ओवरऑल हेल्थ है वो मैं चेक कर लेती हूँ। लंच का टाइम हो चुका था और मैंने मटकी की सब्ज़ी बनाई थी। मटकी के साथ मैं थोड़ा आलू भी डालती हूँ क्योंकि मेरी जो बेटी है वो स्प्राउट्स वगैरह नहीं खाना पसंद करती है, तो जो पोटैटो रहता है इसे डालने से बच्चे क्या करते हैं, हम उनको वो पोटैटो के साथ ये ग्रेवी खिला दे सकते हैं, इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ यूजुअली। रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि वो जो ऑनियन का ऊपर का हिस्सा होता है, जो उसका जहाँ पे वो वाइट पार्ट रहता है, हमें उसे पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। मेन को ये पार्ट कंज्यूम करना नहीं देना चाहिए, लड़का हो या एनीबडी, क्योंकि ये खाने से बॉयज़ की जो किडनी होते हैं उसमें स्टोन्स फॉर्म होते हैं, ऐसा उनका कहना था, तो मैं हमेशा इसे निकाल देती हूँ। हमारे घर में एक टाइम रोटी बनता है और एक टाइम चावल बनता है। अगर दोपहर को रोटी हुआ तो रात को चावल बनेगा या वाइस वर्सा। मेरी जो रोटी है वो बिल्कुल गोल नहीं बनती है और मेरा प्रैक्टिस ये चालू है कि मैं एक दिन परफेक्टली राउंड शेप रोटी बना पाऊँ। बच्चों से लेकर बड़ों तक अगर अपने डाइट में रोज़ चपाती को इंक्लूड किया जाए तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, अपना जो बॉवल मूवमेंट है वो बहुत फ्री रहेगा। मेरी छोटी सी बेटी को घी की रोटी बहुत पसंद है, इसीलिए वो हर रोज़ एक घी की रोटी तो शक्कर डालकर खा लेती है। भाजी हो तो मुझे उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, वरना घी चपाती हो तो वो खुद ही अपने हाथों से खा लेती है। शक्ति के सारे टॉयज़ को मैं कार्टन में डाल के रखती हूँ।
और मैं उसके लिए मैंने सेपरेट एक बॉक्स कुछ मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही शक्ति का टॉयज़ का पीरियड ख़त्म हो जाएगा मैं ये सारे टॉयज़ को डोनेट कर दूँगी। इसलिए ऐसे बॉक्स में रखने से मुझे ईजी होगा, मैं उसको वैसे के वैसे ही पैक करके दे दूँ। तो एक जो हमारे पास बॉक्स पड़ा था हम उसको कवर कर रहे थे कलर पेपर डाल के, क्योंकि वो अच्छा दिखेगा। इसलिए जैसे मैंने कहा था, शक्ति हर जगह मुझे हेल्प करने आ जाती है। उसने भी एक बॉक्स उठा लिया था और मैं जो कर रही थी वो मुझे देखकर रिपीट कर रही थी। इस बड़े बॉक्स के अंदर इसके सारे टॉयज़ को एक एक छोटे बॉक्स के अंदर मैं सेपरेट करके रखती हूँ, तो उसको निकाल के खेलने में भी इजी रहेगा। गर्मी की मौसम शुरू होने वाली थी और मुझे तो हर टाइम कुछ ठंडा खाते रहने का मन कर रहा था, और मैंने कुछ डस्टिंग भी कर ली थी, क्योंकि जहाँ कहीं भी मुझे थोड़ा सा भी डस्ट दिख जाता है तो मैं उसे तुरंत क्लीन कर देती हूँ। ऐसे करने से ये जो वर्क है ओवरलोड नहीं होगा। चीज़ें जब ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन हो तो मुझे उसे बहुत सुकून मिलता है। ये सारी चीज़ें करने से हमें कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे रोज के काम होते हैं, बट हमें इसे एक हैबिट बनाना चाहिए ताकि इससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी रिलैक्स्ड रहेगा। अभी का ये मोमेंट है, शक्ति काफ़ी छोटी भी है और लॉकडाउन भी है, मेरा ये बनता है कि मैं उसे काफ़ी मोटिवेटेड रखूँ। ये पीरियड में एक दिन में मुझे जितना होता है उतना मैं उसको एक्टिव और मोटिवेटेड रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं थोड़ी देरी से खाना बना के रख देती हूँ ताकि मुझे रात में घाई घाई करना नहीं पड़े। मैं बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ बनाती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे कुछ अनकॉमन रेसिपीज़ ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, बट शक्ति मुझे उतना एंटरटेन नहीं करती है। इसलिए वो जो रेगुलर रेसिपीज़ खाती है मैं उसी को रिपीट करती हूँ। तो दाल तड़का मैं बना रही थी यहाँ और चावल लगा दिया था मैंने। मेरे ब्लॉग में दिखाए जाने वाले हर रेसिपी मेरे ब्लॉग में अपडेट होता है। कभी कभी मैं टाइम पे पब्लिश नहीं कर पाती हूँ, पर अगर सेम दिन अगर वो रेसिपी आपको नहीं मिलता है तो आप अगले दिन ज़रूर चेक करके देखिएगा। शक्ति कभी अपने हाथों से खाना खाना पसंद करती है तो कभी नहीं खाती है। मुझे पर्सनली शक्ति को अपने हाथों से खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि वो कितना खाना खा रही है, और ऐसे करने से मेरा भी पेट भरता है कि मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया है करके। मुझे अपने टेरेस गार्डन में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम रात होते ही सब यहाँ पे थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। यहीं पे ख़त्म होता है आज का ये ब्लॉग। ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।